धनबाद में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। इसी बीच भारी बारिश की वजह से झरिया स्थित गंगा गौशाला की दीवार गिरने से लाखों का नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। बता दें कि स्थानीय लोगों ने पहले भी कई बार गौशाला प्रबंधन को जर्जर दीवार गिराने की बात कही थी, लेकिन गौशाला प्रबंधन ने इसे अनसुनी कर दिया और इसका खामियाजा आज उन्हें भुगतना पड़ा। सुबह ब्रश कर रहे थे यहाँ पे तो तुरंत गिर गया, हम जल्दी हट गए वहाँ पे चले गए। तो गौशाला वाला को पहले बोले हुए थे हम कि भैया ये वाला जो दीवार है आप लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ये वाला हटा दीजिए, मतलब दीवार जो है पहले ही तोड़ दीजिए बुलडोजर से, उसके बाद आप लोग कंस्ट्रक्शन कीजिए। बोला हटा देंगे 5 महीना से हटा रहा है लोग। तो ऐसे थोड़ी होता भैया काम, यहाँ पे ग्वाला बच्चा लोग है। गौशाला का ये जमीन, ये झरिया गंगा गौशाला का है प्रॉपर्टी, जिसका भी है उनको फोन उन भी किए हैं, उठाया नहीं। और कतरास वाला को फोन किए थे, वो लोग जान बच गया, जान बच गया हम लोग का, वही बहुत बड़ा बात है। देख रहे ना गौशाला का चीजें संपत्ति, हम लोग बोले इनको इसका खासा असर देखने को मिला है और जनजीवन इससे लेकर बुरी तरीके से प्रभावित हो गए। तस्वीरें धनबाद की है जहाँ पर ये गंगा गौशाला की दीवार जो है वो गिर गई है, जिससे लाखों का नुकसान हुआ और इसके साथ ही कई लोग बाल बाल बचे हैं। और इस खबर पर जानकारी देने के लिए धनबाद से जुड़ रहे हमारे सहयोगी कुंदन सिंह। कुंदन, लगातार बारिश हो रही है और इसको लेकर के धनबाद से जो तस्वीरें आई है, गंगा गौशाला की दीवार गिर गई, कई लोग बाल बाल बचे हैं और लाखों का नुकसान हुआ, क्या कुछ जानकारी से लेकर? मैं आपको बता दूं कि हीरापुर में ये गौशाला है और सबसे बड़ी बात है कि लोग थर्सडे को सुबह सुबह जो है गाय जो जितने भी गौ माता है उनको रोटी देने आते हैं और लगातार जो है 2 दिन से बारिश हो रही है। और उसी में जो है क्योंकि नगर निगम की जो है लापरवाही, इसको आप कह सकते हैं कि नगर निगम ने बगल से नाला जा रहा था वो नाला जाम था, जिसके कारण पूरी पानी जो है ऊपर आ गई थी और दीवार जो है एक पूरे जो है लगभग 4 एकड़ में ये गौशाला है और वो एक एक करके ढह गई, जिसके कारण दीवार पे सटे हुए 2-4 लोग जो है वो बाल बाल बच गए। आपको मैं बता दूं जिस समय ये घटना घटी थी उस दरमियान वहां पे लगभग 150 से भी ज्यादा लोग वहां पे थे, क्योंकि थर्सडे हरेक बृहस्पतिवार को वहां पे गौशाला में गाय माता को लोग जो है रोटी और चना देने आते हैं। तो एक बड़ी घटना जो है कहे तो होने से बार बार बाल बाल जो है टल गया। और आपको मैं बता दूं कि ये बारिश जो है और भी कई जो है अभी फिर जस्ट जो है हीरापुर में ही एक जो लगभग 26 फीट का एक दीवार जो है गिर गया, उसमें भी जो है एक गाड़ी जो है दब गई है। तो ये बारिश जो है एक जानलेवा हो रहा है और इसका जिम्मेवार पूरे नगर निगम को कहा जाएगा कि नगर निगम ने बारिश से पहले कोई भी सफाई अभियान नहीं किया। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन।